I'm Dr. Rahul Kumar Mishra, Department of Economics, Khwaja Muhyiddin Chisti, Langley University. Dear student, today's topic is poverty eradication, importance of poverty eradication. So students, this is a very important topic for economics of health and education in Indian economy. So what is poverty eradication? Poverty eradication, aap samajh sakte hain, nirdhanta nivaran se related hai, aur टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इसके रेफरेंस में बहुत से प्रोग्राम्स को लॉन्च करती है, लेकर आती है. सो जब हेल्थ एंड हेल्थ एजुकेशन वाला जब हम लोग स्टडी करते हैं पेपर, तो इम्पॉर्टेंट ये कंटेंट है इसका, और इंडियन इकॉनमी में भी ये इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, पावर्टी इरेडिकेशन. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ पावर्टी इरेडिकेशन. स्टूडेंट्स, कैपिटल टू टाइप्स की कैपिटल्स इकोनॉमिक्स में पाई जाती हैं. फर्स्ट नेचुरल कैपिटल एंड सेकंड ह्यूमन कैपिटल. किसी भी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल की इम्पोर्टेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता है. क्राउड होना एक अलग बात है, पीपल्स होना एक अलग बात है, पर दे आर स्किल्ड और नॉट, ये एक बड़ा क्वेश्चन है. इसलिए ह्यूमन कैपिटल क्रिएशन ऑलवेज ही स्किल डेवलपमेंट से देखा जाता है. और कोई कंट्री अगर डेवलप करना चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, तो वहाँ पर कैपिटल के साथ में ह्यूमन कैपिटल भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है. दैट्स वाई ये प्राइमरी स्टेज है कि अगर ह्यूमन कैपिटल डेवलप करना है, डेवलपमेंट करना है कंपनी किसी कंट्री को, और अगर प्रॉम्प्टली डेवलपमेंट करना है, तो वहाँ पर उसको पावर्टी इरेडिकेशन एम्प्लॉयमेंट इस टॉपिक्स पर विशेष गौर करना होगा. सो पावर्टी इरेडिकेशन अगर इंडियन रेफरेंस में देखा जाए, पावर्टी इरेडिकेशन के लिए डायरेक्ट प्लान्स आफ्टर इंडिपेंडेंस लगभग 30 ईयर्स के बाद देखने को मिलते हैं, जब फर्स्ट अटेम्प्ट में 1979 को IRDP के रूप में एक पावर्टी इरेडिकेशन के मेन मोटिव से एक प्लान स्टार्ट किया गया था, जिसे IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है. देन आफ्टर इसके कई प्रोग्राम्स बैक टू बैक आते रहे हैं, जिसमें से कुछ बड़े प्रोग्राम्स के बारे में आपको बताऊँगा यहाँ पर, जिनका मेन रोल ही पावर्टी इरेडिकेशन करना था. मैंने आपको पहले बताया कि पावर्टी इरेडिकेशन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कंट्री के लिए, और इस रेफरेंस में टाइम टू टाइम इकोनॉमिस्ट ने और कंट्री के मेन पैनल्स ने कुछ क्राइटेरियाज फिक्स किए हैं, जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज जैसे 2400 कैलोरीज एंड 2100 कैलोरीज वाली जो एक मेजरमेंट है, जो बहुत लंबे समय तक एक्सेप्टेबल रहा है, और 2001 में पावर्टी के जो एस्टिमेट्स रहे हैं कंट्री में, वो 26.15% ऑल इंडिया लेवल पे देखे गए, और वहाँ पर 2400 कैलोरीज रूरल एरियाज में अगर कोई पीपल गेन नहीं कर पाता है तो उसको BPL भी माना जाता है, और इसी तरह अर्बन एरिया में अगर 2100 कैलोरीज गेन नहीं कर पाता है तो उसको BPL भी माना जाता है. BPL का मतलब बिलो पावर्टी लाइन. सो स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि पावर्टी इरेडिकेशन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. अगर डेवलपमेंट करना है तो पावर्टी इरेडिकेशन को करना है, मतलब निर्धनता निवारित करनी है. और इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, पावर्टी के कॉजेस क्या हैं? कॉजेस में से एक बड़ा कॉज है आपका अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट के भी दो रीजंस हैं यहाँ पर. एक आपका ह्यूमन कैपिटल्स का ना होने, मतलब स्किल्ड लोगों का ना होना, और दूसरी तरफ ये है कि स्किल लोगों के होने के बावजूद इन्हें जॉब्स ना मिल पाना. तो पावर्टी के रीज़न में अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट में भी आपका मेनली स्किल्ड और नॉन स्किल्ड का फैक्टर भी फॉलो होता है. तो अगर डेवलपमेंट करना है, ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाना है कंट्री में, तो प्राइमरी लेवल पे आपको पावर्टी इरेडिकेशन देखना है. इस रेफरेंस में इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लान स्टार्ट किए गए, हालांकि थोड़ा वेट करना पड़ा है, लेकिन 1980s के दौर में इस पे अच्छा फोकस किया गया, और IRDP हुआ, डॉकरा हुआ, ट्राइसेम हुआ, ऐसे मैनी मोर प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए. कुछ बड़े नामों के रूप में जवाहर रोजगार योजना भी आप देख जानते होंगे, और इसके बाद 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना को स्टार्ट किया, जिसमें प्रीवियस में चल रहे 6 प्लान्स को मर्ज कर दिया गया, और एक अखिल भारतीय लेवल, ऑल इंडिया लेवल पर एक बड़ा प्लान था पावर्टी इरेडिकेशन के लिए. आफ्टर दैट इसके एक बड़ा प्लान 2005 में इसको एक्ट के रूप में पारित किया गया, और बाद में 2006 में 2FAB को लगभग इसको लॉन्च कर दिया गया ऑल इंडिया लेवल पे,
और जिसको हम लोग नरेगा और आफ्टर दैट इसको मनरेगा के नाम से जानते हैं, जो कि 100 डेज की आपके एम्प्लॉयमेंट की गारंटी, नेशनल गारंटी स्कीम है, जो कि पावर्टी इरेडिकेशन का मेन मोटिव रखती है। इस तरीके से कई प्लान आए और 2014 से एक ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के लिए स्पेशल प्लान, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट, स्टैंड अप इंडिया और इस तरह के बहुत से प्लान्स को स्टार्ट किया गया। और स्टूडेंट्स, इन सभी प्लान्स का मेन मोटिव कहीं ना कहीं पावर्टी को इरेडिकेट करना था, क्योंकि पावर्टी अगर नहीं इरेडिकेट की गई तो इससे रीसियस साइकिल जनरेट हो जाते हैं, जिसे हिंदी में निर्धनता के दुष्चक्र के नाम से जाना जाता है। और ये एक प्रकार से संचयी, मतलब इनके फ्रिक्वेंट वे में होते हैं। एक बार हुआ तो जब रीसियस साइकिल स्टार्ट होते हैं, तो चूंकि पावर्टी के कारण डिमांड कम होती है, डिमांड कम होने से प्रोडक्शन लेवल गिर जाता है, और प्रोडक्शन गिरते ही आप जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट लेवल आ जाता है। आफ्टर दैट फिर से पावर्टी का एक रिशियस साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ये इस स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि अब जब जिस तरीके से कैपिटल को फॉर्मेट किया जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन होती है मशीनरीज और अदर चीज़ों में, गुड्स एंड थिंग्स में जब इन्वेस्ट किया जाता है, प्रॉफिट्स को लगाया जाता है, इस तरीके से कैपिटल को जनरेट किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, जनरेट किया जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है। बट जब ह्यूमन कैपिटल की बात होती है, तो आप जानते हैं कि इंडिया एक सबसे युवा देशों में शामिल है, बट फिर भी यहाँ प्रोडक्शन का वो लेवल नहीं है जो अदर कंट्रीज में, बिकॉज यहाँ पर स्किल्ड लोगों की कमी है। और ये बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है ह्यूमन कैपिटल का लेस होने का। अगर स्किल्ड वन बढ़ेंगे, ह्यूमन कैपिटल जनरेट होगी, इन सब के लिए ये भी ज़रूरी है यहाँ पर पावर्टी को इरेडिकेट करना। पावर्टी इरेडिकेशन क्योंकि एक पैक होता है कहीं ना कहीं से, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को घटाना है, एजुकेशन सेक्टर में भी काम करना पड़ता है, और साथ में हेल्थ सेक्टर को भी मजबूत करना पड़ता है। विदाउट इन तीनों के पावर्टी को डायरेक्टली हंट कर पाना, इसको सॉल्व कर पाना या इरेडिकेट कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉम्प्टली डेवलप करना चाहती है बहुत तेज़ी के साथ, जैसे कि इंडियन रेफरेंस में देखते हैं 9 एंड 10% का GDP ग्रोथ रेट चाहिए होता है, अगर चाहिए ऐसा रेट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर्टी के एस्टिमेशंस को चेक करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि 2001 के NSSO की रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में जो पावर्टी एस्टिमेट था वो आपका 26.1% के अप्रॉक्सीमेटली था, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे था, बहुत बड़ा परसेंट ये हुआ। और इसके बाद 2011 में फिर एस्टिमेट किया गया, और उस समय एस्टिमेशन में 21.9% पावर्टी को एस्टिमेट किया गया, जिसमें कि 13.7 रूरल एरिया, अर्बन एरियाज में, और 25.7% या 9% के अप्रॉक्सीमेटली रूरल एरिया में ये पावर्टी को देखा गया। तो ओवरऑल 21.9% 2011 में पावर्टी को एस्टिमेट किया गया, जबकि इस बात को लेके गवर्नमेंट्स का एक आलोचना देखनी पड़ती है, क्रिटिसिज्म को झेलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पावर्टी के एस्टिमेशन के जो एक स्टैंडर्ड हैं वो बहुत ही बिलो रखे जाते हैं। 2011 में ये एक डिस्प्यूटेड टॉपिक भी रहा, 28% रूरल एरियाज में पर डे पर हेड अगर व्यक्ति नहीं जनरेट कर पा रहा है, खर्च नहीं कर पा रहा है, या कर पा रहा है, तो वो BPL पे माना जाता है, ब्लू पावर्टी लाइन पे। और अगर अर्बन एरियाज में, ये रूरल था, और अर्बन एरियाज में 32% अगर पावर्टी 32% 32 रुपीज़ अगर नहीं यूज़ कर पा रहा है, लगा पा रहा है, तो उसको बिलो पावर्टी लाइन माना जाता है। इस एस्टिमेट के बेसिस पे, इस स्टैंडर्ड के बेसिस पे भी कंट्री में 21.9% की करीब पावर्टी को एस्टिमेट किया गया, जो कि आप समझ सकते हैं, चाहे 2400 कैलोरीज हो या फिर 32 रुपीज़ हो, ये बहुत ही बिलो लेवल है, बहुत ही मिनिमल लेवल है। इसके बावजूद भी पावर्टी का लेवल 26.1% और 21.9% करीब 2001 और 11 में देखने को मिला। सो एट दैट टाइम आपका जो वर्ल्ड की अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से तय 1.5 डॉलर, US डॉलर अगर नहीं किसी पर कैपिटा या जनरेट नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर इसको BPL पे माना जाता है। अगर उस रेफरेंस में, इंडिया के रेफरेंस में, अगर 1.5 डॉलर यानी 1.5 डॉलर को लागू करें, तो 40% से भी ऊपर, लगभग 45-47% आबादी बिलो पावर्टी लाइन पे आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब
ह्यूमन कैपिटल जनरेशन की बात होती है, मैंने पहले ही बताया कि जिस तरह कैपिटल, जिसे मेन कैपिटल बोलते हैं, आप भी जानते होंगे कैपिटल का क्या रेशियो है, कैपिटल कैसे जनरेट होती है, कैसे एकुमुलेट होती है, जब मशीनरीज, बिल्डिंग्स और प्लांट्स इन सब चीज़ों में, जब जिसकी डिजॉल्विंग का पीरियड काफ़ी लंबा होता है, अवधि लंबी होती है, इन चीज़ों को बढ़ोतरी होती है, इन चीज़ों में जब वृद्धि होती है, इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसको कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है। और इसी तरीके से जब अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी इरेडिकेशन और हेल्थ सिस्टम को मजबूत करके स्किल्ड लेबर फोर्स को जनरेट किया जाता है, तो ये ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट कहलाता है। और इन दोनों के विद द हेल्प ऑफ कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल कोई भी कंट्री प्रॉम्प्टली डेवलपमेंट कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक आपके नेक्स्ट लेक्चर में दिया जाएगा। ओके, थैंक्स लॉट।